हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनआईएस के कक्षा 12 हिंदी के पार्ट 1 के नोट्स पढ़ेंगे। तो चलेगा स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात बता दूं, देखिएगा साथियों, पिछले साल हजारों विद्यार्थी हमारे कोचिंग के इन नोट्स को पढ़कर एनआईएस के कक्षा 12 में अच्छे नंबरों से पास हुए थे। यदि आपको भी एनआईएस बोर्ड के कक्षा 12 में बेहतरीन नंबरों से पास होना है तो आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को हमारे साथ साथ में अच्छे तरीके से पढ़ते जाइएगा। देखिएगा साथियों, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि इन नोट्स को आप फ्री में देते हो या फिर पैसे लेते हो, तो ध्यान से देखिएगा साथियों, ये नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। इसके लिए आपसे कोई भी रुपया नहीं लिया जाएगा। रुपए लाने वाले बहुत सारे बैठे हैं, लेकिन हमारे कोचिंग के इन नोट्स को आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाए जाएंगे, साथ ही आपको पीडीएफ भी दी जाएगी। तो चलेगा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कविता किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है, हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। चलेगा बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, कविता में किस तत्व की प्रधानता होती है एवं कविता किसको जागृत करने का उत्तम साधन है? ये प्रश्न पिछले साल आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से जरूर देखिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, कविता में भाव तत्व की प्रधानता होती है। कौन से तत्व की प्रधानता होती है? भाव तत्व की प्रधानता होती है एवं कविता मनोवेगों को जागृत करने का उत्तम साधन है। आई बात आपको समझ में? चलेगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला आपके तीसरा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, कविता में अनिवार्य रूप से क्या मौजूद होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, कविता में अनिवार्य रूप से लयात्मकता मौजूद होती है। आई बात आपको समझ में? चलेगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके चौथा प्रश्न है, प्राचीन विद्वानों ने कविता की आत्मा किसको माना है? ये भी प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, प्राचीन विद्वानों ने कविता की आत्मा गुण स्वभाव और रस को माना है। आई बात आपको समझ में? चलेगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके पांचवा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, कविता पढ़ते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो इस प्रश्न का उत्तर है, कविता को पढ़ते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें आपके पहला है, कविता का स्वस्वर पाठ किया जाना चाहिए। दूसरी आपके बात है, कोई भी कविता पढ़ते समय अगर संभव हो तो कविता के रचयिता अर्थात कवि का संक्षिप्त परिचय भी प्राप्त कर लेना चाहिए। और उसके बाद में तीसरे नंबर है, कविता के कला पक्ष को समझने के लिए भाषा छंद अलंकार आदि की स्पष्ट समझ होने चाहिए। और उसके बाद में अगला है, कविता पढ़ने का उद्देश्य सिर्फ शब्दों के अर्थ जान लेने तथा उसकी व्याख्या समझ लेने से नहीं होता है, बल्कि कविता की सार्थकता तब है जब कवि के द्वारा व्यक्त भावनाओं तक पहुंचकर उसके द्वारा कही गई बातों को ग्रहण किया जाए। आई बात आपको समझ में? ये प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस प्रश्न को आप अच्छे तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को बिल्कुल फ्री में मोबाइल में डाउनलोड करके कैसे पढ़ सकते हो? चलेगा मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। मोबाइल में आपको फ्री में डाउनलोड करके पढ़ने के लिए सबसे पहले आपके मोबाइल में जहाँ पर भी गूगल लिखा होगा उसके ऊपर क्लिक कर देना है, और उसके बाद में यहाँ पे आपको सर्च करना है MOST, उसके बाद में EXAM, इस प्रकार से आपको मोस्ट एग्जाम लिखना है। और उसके बाद नीचे जो आपके सर्च का बटन है यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देखिएगा लिखा हुआ है NIS बोर्ड, और उसके बाद में यहाँ पे आपके कक्षा 10वीं के नोट्स है, लेकिन आपको तो कक्षा 12वीं के नोट्स देखने हैं, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने कक्षा 12 के सभी विषयों के नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको हिंदी के नोट्स देखने हैं, तो इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने NIS के कक्षा 12 हिंदी के सभी पाठों के यहाँ पे नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको पहले पाठ के नोट्स देखने हैं, तो इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने NIS के कक्षा 12 हिंदी के पार्ट 1 के नोट्स खुल जाएंगे। तो यहाँ पर जाकर भी आप बिल्कुल फ्री में नोट्स पढ़ सकते हो। तो चलेगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके छठा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, कविता के प्रमुख दो अवयव के नाम लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, कविता के प्रमुख दो अवयव के नाम निम्नलिखित है।
जिसमें आपके पहला भाव पक्ष है और दूसरा आपके कला पक्ष है। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले एक छोटी सी बात बता दूं, देखिएगा साथियों, अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर करेगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करेगा, जिससे हम अगले पार्ट के जैसे ही नोट्स अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और ये पूरे नोट्स हमारे कोचिंग की तरफ से बिल्कुल आपको फ्री में दिए जा रहे हैं, तो कम से कम वीडियो को लाइक तो बनता है। चलेगा, बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवें प्रश्न में कहा जा रहा है, प्रतीक किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है, किसी वस्तु के माध्यम से किसी अन्य वस्तु अथवा घटना से संबंधित बात कही जाने को प्रतीक कहते हैं। आई बात आपको समझ में, तो आपके पहले पार्ट के इतने ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे, इन प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। अगले पार्ट के प्रश्नों के साथ में मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।